हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरे के वड़े। फ्रेंड्स, बाजरे का वड़ा ठंड और बारिश के मौसम में हेल्दी स्नैक्स का सबसे अच्छा विकल्प है। यह बहुत ही टेस्टी बनता है, आपको भी जरूर खाना चाहिए। बाजरे के वड़े को आप दही या चाय के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर इन्हें आप 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। सफर या पिकनिक में भी आप साथ ले जा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडियन रसोई को और बेल का बटन दबाइए लेटेस्ट फूड रेसिपी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाजरे का वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप बाजरे का आटा लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप दही, 2 बड़े चम्मच सफेद तिल, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 लहसुन की कली का पेस्ट बना लिया है। इसे भी बाउल में डाल देते हैं। 3 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ती, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच तेल। यह सारी सामग्री डालकर इन्हें हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हाथ से अच्छी तरह रगड़कर इस तरह से मिक्स करना है। सारी सामग्री मिक्स कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हाथ से मिक्स करते हुए डो गूंथ कर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सख्त डो गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। बाजरे का वड़ा बनाने का डो तैयार कर लिया है। अब हम इस डो को कपड़े से ढककर 20 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं। 20 मिनट बाद कपड़ा हटाकर डो को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। डो तैयार है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा डो लेकर इसकी बॉल बना लेते हैं। हथेलियों से दबाकर डो को चपटा कर देते हैं। वड़ा बन गया है, इसे प्लेट में रख देते हैं। ऐसे ही हम सारे डो के वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर डो हाथ के चिपक रहा है तो आप हथेली पर थोड़ा सा तेल या घी लगा लें। सारे डो के वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने एक फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा था। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें वड़े डाल देते हैं। गैस की आंच लो मीडियम रखनी है। वड़े को चम्मच से पलट देते हैं ताकि यह दोनों साइड से और अंदर से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। वड़े को फ्राई करते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है।
यह अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेंगे। यह बहुत ही टेस्टी बने हैं, ठंड के मौसम में आपको भी जरूर खाने चाहिए। ऐसी और भी रेसिपीज के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।